मेरे दोस्तों, भैनों, भरावो ते बच्चो, अज 72वां दिन हो गया मोदी सरकार दी मकान दंदियां हजे नूं भुलेखा के आई वोट पूछ के बिड़बड़ा के इन्हां नूं भेज दूंगा, क्योंकि ये गिजया होया पुराने समय तो कदे GST लाई, जिदे पिछे दा लॉजिक सी कि एक देश एक टैक्स प्रणाली, पर लुकिया एजेंडा की सी, हिंदू राष्ट्र हिंदुओं तो बिना कोई नहीं। उस तो बाद असी काला धन फड़ना, नोटबंदी करांगे, काला धन कढ़ावांगे, साडे हिंदुस्तान दे 80% लोकां दा उहदे नाल की नुकसान होया, किन्ने खज्जर खराब होए, दुआनी काला धन इहने फड़िया। उस तो बाद साडे विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटियां च, जामिया इस्लामिया च, JNU च, दिल्ली यूनिवर्सिटी च जदों संघर्ष कर रहे थे आपदे मंगा मसले नूं लैके, जिहड़ी चाल 26 तरीक नूं 27-28 तरीक नूं साडे किसान मोर्चे ते वरती आ, ओह इस करके वरती आ कि यूनिवर्सिटियां दे अंदर RS दे गुंडियां ते नाल BJP दे गुंडियां ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ-ਕਟਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਜਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕਟਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਪਾ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2-3 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਾਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਵੇੜੇ ਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ GST ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 300 ਧਾਰਾ 70 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਹਰੇਕ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਤੇ ਪੁਲਸਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 370 ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਸ਼ਿਮ ਮੇਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਦੀ ਬੋਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੇ ਹੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ
करोड़ फॉलोअर ने, मोदी ने भी 6.5 करोड़ ने, सिर्फ 6.5 करोड़। उन्हें कहा भी किसानों का यह जरा मामला, किसानों से जरा तशद्दुद हो रहा, यह नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार की यह गलती है। जेड़े पहले भी ट्वीट होंगे सी मोदी ते मोदी की पार्टी ते मोदी का मंत्रालय, उसे कदे नोट्स नहीं सी लिया करता। बड़ी हैरानी ते शर्म की गल, एक व्यक्ति ने वो ट्वीट किया, एदा विदेश मंत्रालय, एदा गृह मंत्रालय उसका जवाब दे रहा है कि बहुत गलत गल है। भला असी मोदी को पूछिए, जिद्दर तू अमरीका जाके ट्रंप नाल हाथ मिला के एक कह रहा सी कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो अलग गल है, ट्रंप मुद्दे मुंह डिगया, पर की कोई जमहूरी कारकुन, कोई लोग हमायत वाले लोग, कोई वातावरण प्रेमी, कोई वधिया कलाकार, ये जिहड़ा साडे ते नंगा चिट्टा तशद्दुद हो रहा, उहदे वास्ते हाँ दा नारा भी नहीं मार सकदे। सो इस करके ये जिहड़ी मोदी सरकार है, ये सारे हिले वरत चुकी आ। कदे सानू जवाकां वांगू लाली पॉप दिंदी रही, कदे कुड़ियां इत्थे छड्डियां, कदी गैंगस्टर भेजे, कदे साडी फुट पाउण दी कोशिश कीती, कदे अपने आरएसएस वाले बीजेपी वाले बंदे भेजे। असी तुसी सारे हिंदुस्तानी लोगों ने बिल्कुल चकना चूर करते, जित बहुत नेड़े है, इस घोल जितना साडे लई कल्ला जरूरी नहीं, यह साडी मजबूरी भी आ। हुण तुसी सोचदे होवोगे भी की मजबूरी आ बई। देखो जेड़े साडे किसान मोर्चे दे आगू ने, वो तकरीबन 60 साल तो उपर ने, 5-4 आगू ने जेड़े नौजवान ने, वो 60 सालां दे विच 30-30, 40-40 साल किसान मंगिया मसलियां ते लड़दे रहे ने, केस बनवाए ने, जेलां च रहे ने, लाठी चार्ज झले ने, पर अज सब तो बड़ा दाव मोदी सरकार ने उन्हां 37 आगुआं ते यूएपीए वर्गा कानून बना के खेडिया। वो 37 आगुआं तो अलग खेडिया, जिहड़े साडे नौजवान भावें गुमराह होके गए, भावें जोश च गए, वो सैकड़े बंदे जेलां दे विच ने, सैकड़े लापता ने, हुणे हुणे जां उस तों पहलां भी वकील भरा कह के गए ने असीं उन्हां दा प्रबंध करांगे। पर यह जिहड़ी गल आ वी उह 37 आगुआं ते कानून जिहड़े केस बनाए ने, ओ मित्र कोई 57 नहीं, कोई 26 नहीं, कोई अरादा कतल वाले केस नहीं, ओ यूएपीए दा मतलब ओदी किते अपील नहीं, किते दलील नहीं, लोअर कोर्ट तक की असी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। सो इस करके जे को हर जंदा, जे को थोड़ा ढिला रह जाता, यह लिख के लाइयो ओ 37 दे 37 आगू, फिर भाई मौत तो बाद ही जेलां चो आउणगे, क्योंकि उस तो पहला कोई राह नहीं है। इस करके मैं कहना दोधी डेयरी यूनियन वालों, क्योंकि दोधी डेयरी यूनियन 1998 च बनी, जितन भी पंजाब दे विच कोई किसान संघर्ष होया असी मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े रहे हैं। और हुण भी जिवें सैकटरी साहब ने दस्या 2200 लीटर की 11वीं गड्डी थोड़े कोले पहुंची आ, अगे तो भी यह विश्वास दवाने भी जदों तक यह हक सच की लड़ाई चलती रहेगी असी कदम पिछे नहीं हटांगे। सो इस तरह वो जिहड़ी मजबूरी है हुण साडी घोल जित्तण दी, जित दे नेड़े आ, होर लोग साडे इलाके चो आ रहे सी, यह 6 तरीक वाले बंद करके असी वो रोक रखे ने। यह 6 का जिहड़ा 12 तों 3 का बंद है, एक बार इहनूं खुल लैण दिओ, असी होर काफले लैवांगे। इन्ना कहिंदा सारे लोकां दा
ਜਾਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।